विशाखापट्टनम में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई पूर्वी नौसेना कमान रामाकृष्ण के बीच शक्ति प्रदर्शन किया और नौसेना दिवस से पहले अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया। युद्धपोत पनडुब्बी हेलीकॉप्टर से अपना दम दिखाया। युद्धपोतों को विशेष लाइट से भी सजाया गया। आपको बता दें कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 4 दिसंबर को कराची बंदरगाह पर हुए साहसी हमले की याद में मनाया जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नौसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया नौसेना दिवस से पहले, फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर की गई, युद्धपोत नजर आए और शानदार शक्ति प्रदर्शन किया। यहाँ पर वायुसेना का दमखम भी दिखाई दिया। कल वायुसेना दिवस मनाया जाएगा, माफ कीजिएगा, नौसेना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें उससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। दरअसल युद्धपोतों को विशेष लाइट से भी सजाया गया और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। हर साल 4 दिसंबर को कराची बंदरगाह पर हुए साहसी हमले की याद में मनाया जाता है। उससे पहले हर साल इसी तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल भी की जाती है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नौसेना दिवस से पहले किस तरीके से तैयारियां की गई, इन तैयारियों को परखा गया। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और हर साल हम देख रहे हैं कि नौसेना की शक्ति में इजाफा हो रहा है। युद्धपोत जो शामिल हो रहे हैं, मेक इन इंडिया की झलक जो दिखाई दे रही है, जो दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो रही है, वो नौसेना की कामयाबी की नई इबारत लिख रही है। और ये तस्वीरें दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भी काफी है, क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और हर साल नौसेना दिवस से पहले इसी तरीके से तैयारियों को देखा जाता है, परखा जाता है, जिसमें हमारे जवान शानदार नजारा पेश करते हैं और क्या ताकत है, किस तरीके से देश की हिफाजत करनी है, वो इसके जरिए भी देखा जाता है।